नमस्कार साथियों, मैं नवर्तन आपका एनएचपॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक इतिहास से जुड़ी ऐसा तथ्यात्मक चीज लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, क्षत्रिय नायक वीर कौन से होते हैं, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। उसको जानने से पहले आप थोड़ा सा एक हिंट जान लें कि जो परशुराम था उनका इतिहास आपको सबको पता है कि क्या था। परशुराम ने क्यों किया था क्षत्रियों का विनाश, और क्यों मतलब राम ने क्षत्रियों का विनाश किया, लगभग 65 राजवंश क्षत्रिय राजवंशों का विनाश कर दिया था परशुराम ने। क्यों किया था परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश? परशुराम की माता का नाम था रेणुका। रेणुका को लेकर परशुराम के पिता का क्षत्रियों के साथ विवाद हो गया था, और परशुराम ने अपनी माता का सरकलम कर दिया था रेणुका का, और बाद में लगभग 65 राजवंशों का परशुराम ने पूरे भारत से मतलब नामो निशान मिटा दिया था। लेकिन यहाँ एक जो तथ्यात्मक चीज है, परशुराम का मैं बार बार जिक्र क्यों कर रहा हूँ कि एक तथ्यात्मक चीज है, परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश किया। क्षत्रिय और क्षत्रिय सब दो शब्द होते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि क्षत्रिय कौन है। क्षत्रिय शब्द है वो क्षत्रिय जो मतलब कह सकते हैं कि युद्ध कला के माहिर हो, वो क्षत्रिय है। लेकिन जो इनका संचालन करते हैं वो है क्षत्रिय, क्षेत्रफल वाला क्षत्रिय लगता है इसमें। तो सिर्फ क्षत्रियों का ही विनाश किया था, और उस टाइम जो नायक था वो था लगभग 1200 ईस्वी से पहले की बात ये बता रहा हूँ। उसके बाद तो नायक भी क्षत्रिय बन गया था, लेकिन उससे पहले नायक क्षेत्र यानी क्षेत्रपाल कह सकते हैं या क्षत्रिय कह सकते हैं। क्षत्रिय जो क्षत्रियों का संचालन करता हो उसे क्षत्रिय कहा गया, यानी एक कर्मचारी या अधिकारी। अगर आपको इतिहास पढ़ने को मिले तो उसमें देख लेना कि आप जो नायक उपाधिधारित लोग थे वो क्षत्रिय थे, न कि क्षत्रिय। इसको समझना थोड़ा सा जरूरी हो गया, क्योंकि जो उपाधिधारित लोग हैं उन्होंने युद्ध नहीं किया, जो युद्ध करते थे उन पे शासन किया, यानी उनका संचालन है। नायक की उपाधि लेना एक थोड़ी सी आम बात नहीं है, इसमें मतलब कह सकते हैं कि एक विशेष योग्यता थी, उन्हीं को नायक की उपाधि दी जाती थी। कह सकते हैं साम दाम दंड भेद द्वारा, यानी किसी भी तरीके से जो विशेष गुण योग्य हो उन्हीं को नायक उपाधि दी जाती थी। मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट भी डाली थी कि मतलब कह सकते हैं कि नायक जो योग्यता है उसको धारण करने के लिए कौन कौन सी योग्यता चाहिए थी। आप इसको वीडियो के कमेंट में जरूर बताना है कि नायक बनने के लिए वर्तमान में अगर नायक की उपाधि किसी को दी जाती है तो वर्तमान में नायक उपाधि धारण करने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। क्योंकि हमारे बुजुर्गों को जो नायक की उपाधि ली थी उनको ऐसे इनाम में थोड़ी मिली थी, उसमें कोई विशेष गुण था जिस कारण से नायक की उपाधि दी जाती थी। कमेंट कर जरूर बताना कि मतलब नायक की उपाधि है वो धारण करने के लिए कौन कौन सी योग्यता है वर्तमान, और कह सकते हैं कि पहले क्या योग्यता रही होगी वो भी बताना ईसन के बाद। और जहां तक कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में आक्रमण किया था उस टाइम तक नायक क्षत्रिय की भूमिका में भी रहा है। नायक और भील दोनों ही उपाधि रही है। इसकी जो मूल जातियां ये अलग अलग जातियों से आए हुए हैं, जो भारत की प्राचीन जातियां हैं उनसे निकले हुए हैं। नायक और भील दोनों उपाधि रही है। परशुराम के टाइम तो उनको डरकर भागना पड़ा था या छिपना पड़ा था, उसने अपना रंग रूप वेशभूषा सब चेंज करनी पड़ी थी। लेकिन जो क्षत्रिय है उनको कहीं नहीं भागना पड़ा। क्षत्रिय वो थे जो राज्य का एक कर्मचारी के रूप में संचालन कर रहे थे। वहां पर किसी भी नायक का, जो नायक अधिकारी थे उनका कहीं भी थोड़ा सा इतिहास
पढ़ने को मिलता है। हाँ, हो सकता है कि जो मूल चीज़ है वो छिपा दी गई हो, लेकिन जो मिलता है उसमें कहीं भी ऐसा तथ्यात्मक चीज़ नहीं मिली है कि परशुराम ने उनका वध किया। अब कहीं मेरे कहने का भाव समझ गए होंगे कि नायक जो था वो एक कर्मचारी जो उनका संचालन करता, जो वर्तमान में है। वर्तमान में क्या है कि जो सेना का संचालन करता है वो नायक, और उसी टाइम में था एक अधिकारी के रूप में था। क्षत्रिय और क्षेत्रीय, ये दो शब्द आप याद रखना कि क्षत्रिय और क्षेत्रीय। आज के वीडियो में बस इतनी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना, और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए NH Point यूट्यूब चैनल को, और मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए NH Point यूट्यूब चैनल को।